हेलो दोस्तों, वेलकम टू विशाल फर्नीचर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल फर्नीचर में। आज के वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि अगर आप किचन में टेंडम बॉक्सेस लगाते हैं तो उसको सामने का जो मत्था रहता है दोस्तों वो कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये तीन ऑलरेडी लगा के सेट कर चुके हैं। थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाएंगे दोस्तों, तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये बर्लिन कंपनी का टेंडम बॉक्सेस है। तो यहाँ पे तीन लग चुका है दोस्तों, और इस तरफ का हम लोग तीन आज के इस वीडियो में आपको लगा के बताने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये तीन लगाना है दोस्तों, तो कंप्लीट डिटेलिंग के साथ में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे। जब आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको बता देते हैं कि ये जो हम लोगों ने टेंडम बॉक्सेस लगाए हैं बर्लिन कंपनी का, इसका वीडियो चैनल पे पहले ही पड़ चुका है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं दोस्तों। उस वीडियो में आपको बताए हैं कि इसका जो पूरा सेटिंग रहता है वो कैसे काम करता है, कैसे लगाते हैं। इसका बहुत सारा वीडियो चैनल पर पड़ा दोस्तों, अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा नॉर्मली ही बताएंगे, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर नज़दीक आइए दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्क्रू एक देता है दोस्तों वहाँ पर, वो हम पहले निकालते हैं दोस्तों खाली सामने का। इसको दोस्तों टाइट करेंगे, ये बाहर आ जाएगा। और इसमें दोस्तों जो ये यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपका एडजस्टमेंट देता है, तो इसको बराबर दोनों तरफ से सेंटर में कर लेना दोस्तों। देखिए दोनों तरफ से, यहाँ से भी बराबर हो गया, यहाँ से भी बराबर हो गया। बाद में दोस्तों इसको यहाँ पे लगा के ऐसे थोड़ा सा पुश कर देंगे, बैठ जाएगा। और इस तरफ से भी सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, तो इसको निकाल लिए और इसको भी बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने से फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब आप थोड़ा सा आपको लेफ्ट राइट या फिर इस तरफ उस तरफ करना है तो करने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। और इसको चेक नहीं करेंगे तो इसको चेक कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद फ्रेंड इसमें हम लगा देंगे। इसका जो काम दोस्तों यहाँ तक हो गया, अब आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे ये अपना जो है दोस्तों ये मत्था है, ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से थोड़ा सा दिखा देंगे दोस्तों आपको। यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रोफाइल हैंडल भी लगाए हैं, और ये देखें दोस्तों तो एक्रेलिक सीट भी है दोस्तों, हम लोग हाथ से बनाए हैं। इसका वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो एन के फर्नीचर भैया जी के चैनल पे वीडियो है दोस्तों, आप आराम से देख सकते हैं उस वीडियो की कि हम लोग ये पूरा दरवाज़ा दोस्तों कैसे बनाए हैं। अब देखिए फ्रेंड, कभी भी आपको टेंडम बॉक्स का मत्था लगाना है तो यहाँ पर सबसे पहले या तो ऊपर से स्टार्ट कीजिए दोस्तों, या तो नीचे से स्टार्ट कीजिए। एक जगह से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, बीच का सबसे पहले नहीं लगेगा। तो हम लोग नीचे से लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो नज़दीक से दिखाएँगे आपको, कभी भी आपको मेजरमेंट करना है दोस्तों तो नीचे से मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे जो होल्स रहता है स्क्रू का, इसको बीचों बीच ही मेजरमेंट करना चाहिए स्क्रू साइज का, ना कि इस पत्ती का। तो स्क्रू का मेजरमेंट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम नीचे से लेवल कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों एक पट्टी रख लिया, और यहाँ से अपना जितना भी मेजरमेंट में आएगा दोस्तों हम उतना मेजरमेंट लिख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये हो गया हमारा, जितना मेजरमेंट आया था वो हम लिख लेते हैं। अब दोस्तों इस यहाँ पे हम लोगों को कितना गुरु रखना है वो आप चेक कर लेना है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाएंगे, तो ये देखिए इतना ही गुरु हम यहाँ पे साइड में रखने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मेजरमेंट करेंगे। तो इसको यहाँ पे रख लेंगे दोस्तों, उसके बाद मेजर टेप से इसको चेक करेंगे जहाँ पर कितना आएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक इंच बराबर सेंटर स्क्रू का आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग एक इंच मार्किंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो एक इंच हम लोगों का आया है उसको हम यहाँ पे नज़दीक से दिखाएंगे दोस्तों। तो इसको काट कोने में मार्किंग कर लेंगे सबसे पहले देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, इससे होगा कि आपका जब पत्ती लगाए दोस्तों तो वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। और यहाँ से भी इसको मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों, और सेम टू सेम दोस्तों जितना यहाँ से हाइट में आया था तो वहाँ से भी उतना आएगा, यहाँ पर भी उतना ही कर लेते हैं हम। जितना है तो दोस्तों अपना तीन इंच में थोड़ा सा कम था। उसके बाद फिर अब आपको नज़दीक से दिखाएंगे यहाँ पर। अब दोस्तों जब आप मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे ऐसे पत्ती रखे, तो ऐसे ही इसको रख के मेजरमेंट करेंगे यहाँ तक, ये दूसरे क्लिप के सेंटर एकदम सेंटर तक। तो ये 21 इंच 550 बता रहा है दोस्तों, एमएम में भी कर सकते हैं और मेजरमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए 21 इंच 550 हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको हम काट कोने में इसको भी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए ये हो चुका है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ से भी इसको मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों इसका जो क्लिप निकालना है वो हम पहले ही बता चुके हैं, ये क्लिप निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए ये उस तरफ का हो गया, और इसको निकाल लेते हैं दोस्तों, ये इस तरफ का हो गया। अब दोस्तों इसका जो स्क्रू रहता है, आपको कौन सा स्क्रू लगाना चाहिए इसके साथ में देखेंगे। तो इसके साथ में जो स्क्रू देता है दोस्तों वही लगाइए, क्योंकि इसका जो
हेड रहता है दोस्तों वो बहुत छोटा रहता है, यानी कि इसका जो मत्था रहता है दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो बहुत छोटा रहता है, वही स्क्रू इसमें लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोगों का प्लस का मार्किंग बना है यहाँ पे देखेंगे, हम पेंसिल से मार्किंग किए दोस्तों, इसको जो है एकदम पॉइंट पे एक छोटा सा निशान बना लेंगे दोस्तों। इससे होगा ये कि जब आप स्क्रू मारेंगे दोस्तों इसमें तो कहीं पे वो जाएगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट उसी जगह पे जो है सेट हो जाएगा। तो इसको टाइट कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ये हो गया दोस्तों। और यहाँ पे जो अपना ऊपर की तरफ आता है दोस्तों वहाँ पे भी हम एक स्क्रू मार देंगे। पहले दोस्तों आप क्या कीजिए, एक एक स्क्रू लगा के चेक कर लीजिए, जब आपको लगेगा कि ये परफेक्ट हो गया दोस्तों उसके बाद जो पूरा स्क्रू इसमें लगाना है लगा देंगे हम। तो ये हो गया दोस्तों, और यहाँ पर भी सेम दिखा दीजिए थोड़ा सा नज़दीक से, ये देखिए ये हो गया दोस्तों। और इसको टाइट करेंगे फिर से हम, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी अपना सेंटर में बिल्कुल हम देख लेंगे कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे छोटा सा एक निशान बना के दोस्तों। और इसका जो स्क्रू लगेगा दोस्तों वही स्क्रू लगाइए, नहीं तो आपका जो मत्था रहता है दोस्तों उसमें बैठेगा नहीं, तो फिर आप सोचेंगे कि बैठ नहीं रहा है। ये देखिए दोस्तों इसका जो काम है यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब इसको लगाने का तरीका बताते हैं दोस्तों, देखिए इसमें दो हम स्क्रू डाल के इसमें सेट कर लिए दोस्तों, और यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे जो देखेंगे ये जो क्लिप है दोस्तों जहाँ पे बैठता है वहाँ पे लगा के इसको बैठा देंगे, ये बैठ जाएगा दोस्तों। तो इसको उसी जगह पर सेट कर लेते हैं हम, और हो सकता है दोस्तों कि अगर आपका कट कोने में थोड़ा सा इधर उधर है तो दिक्कत करेगा। ये देखिए दोस्तों इसको हम बैठा दिए, ये बैठ गया है, अब सेट करेंगे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो हम लोगों का ये ग्रू है दोस्तों ये बराबर बता रहा है, और इस तरफ से दोस्तों थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग इसको सेटिंग से ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे ये जो वाला जो स्क्रू है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो आप स्क्रू देख रहे हैं ये बिल्कुल बीच में रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ से आपको दोस्तों बाहर निकलता है इसका जो मत्था रहता है, और यहाँ पे जो ये वाला दोस्तों होल देख रहे हैं यहाँ पे भी एक स्क्रू है, उस स्क्रू से दोस्तों आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये वाला जो स्क्रू है दोस्तों इससे आगे पीछे जाता है, यानी कि लेफ्ट राइट। यहाँ पे नज़दीक से आपको दिखाएंगे दोस्तों, तो ये वाला जो स्क्रू है ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो उसको ऊपर कर देते हैं बिल्कुल दोस्तों। ये हो चुका, आप देखिए अपना ग्रू भी परफेक्ट है दोस्तों, और यहाँ से भी ये भी परफेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह अपना जो एक हम लोगों का मत्था सेट करना था दोस्तों वो सेट कर चुके हैं, और बाकी का ऊपर का भी थोड़ा सा फास्ट करके आपको सेट करके दिखा देते हैं दोस्तों। इसका जो और एक वीडियो दोस्तों डिटेलिंग में बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर तीन बास्केट लगा है दोस्तों, और यहाँ पे आपको नज़दीक से दिखाने के लिए नहीं हो रहा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा डिटेलिंग में नहीं बता पा रहे हैं। बाकी दोस्तों ये देखिए उसी प्रकार से मेजरमेंट किए हैं हम और इसको लगा दिए। अब दोस्तों बाकी का जो दो लगाना है वो आपको दिखाते हैं लगा के। तो दोस्तों अब यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किए हैं दोस्तों, और वॉइस ओवर में आप आपको बताएंगे किस प्रकार हम लगा रहे हैं। सेम टू सेम वैसे ही लगाएंगे दोस्तों, जितना भी ग्रू आपको नीचे से रखना है उतने का एक पीस लेंगे दोस्तों, और बिल्कुल जो अपना होल रहता है दोस्तों जहाँ पे फिटिंग में वहाँ तक हम चेक करेंगे कि कितना आ रहा है दोस्तों, उतना ही का मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद दोस्तों उसी जगह पर टाइट कर देंगे, और उसी प्रकार से ये भी बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे तो ये जितना साइड में हमको ग्रू चाहिए उतने का एक पट्टी रखेंगे, फिर मेजरमेंट करेंगे हम। ये हो गया दोस्तों मेजरमेंट, अब इसको मार्किंग करेंगे, उसके बाद दोस्तों दूसरा भी चेक करेंगे हम। ये हो गया दोस्तों उसका भी मार्किंग करेंगे, और दोस्तों इसको काट कोने में हम मार्किंग कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल। उसके बाद एक छोटा यहाँ पर भी निशान बना के स्क्रू मारेंगे। इससे होता ये है कि जब आप छोटा सा निशान बना लेते हैं तो आपका जो स्क्रू रहता है दोस्तों उसी पॉइंट पे ही जाता है, तो 1 mm भी इधर उधर नहीं जाता है। और ये देखिए दोस्तों ये हो चुका। इसी प्रकार से दोस्तों अपना ये दोनों अब लगा देंगे, पहला वाला तो लग गया आपको पता है नीचे का, और ये दोस्तों ये सेकेंड है, इसके बाद थर्ड यानी कि दूसरा नंबर, इसके बाद वो तीसरा जो ऊपर का रहता है वो भी लगा के दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर समय बचाने के लिए थोड़ा सा वीडियो को फास्ट भी किए हैं हम। ये देखिए दोस्तों ये स्क्रू जो लगाना है पहले चेक कर लेंगे एक एक स्क्रू लगा के। अब चलिए दोस्तों इसको लगा के दिखाते हैं। ये देखिए
बस इसको बाहर निकालना है दोस्तों, और उसके ही होल में इसको लगा के उसके बाद दोस्तों सामने से इसको पुश कर देंगे, बैठ जाएगा ये देखिए बिल्कुल। अब दोस्तों ये हो चुका है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट सेट बता रहा है। अब दोस्तों ऊपर का भी हम आपको लगा के दिखाएंगे, ये देखिए ग्रू भी अपना बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है दोस्तों। थोड़ा बहुत सेटिंग करना रहेगा तो वो आप कर लीजिएगा। अब दोस्तों ऊपर का जो लगाना है सबसे लास्ट का वो लगा के दिखाते हैं आपको, ये देखिए सेम टू सेम वही प्रोसेस है दोस्तों। इसमें भी जितना आपको नीचे ग्रू रखना है दोस्तों उतना पट्टी ले लीजिए, उसके बाद मार्किंग कर लीजिए कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद दोस्तों उसको भी ये साइड से भी मेजरमेंट करेंगे उतना ही, ये हो गया दोस्तों। और पूरा दोस्तों कंप्लीट लगा के उसके बाद पूरा अभी नज़दीक से आपको दिखाएंगे कि कैसा सेट हुआ है कैसा नहीं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी मार्किंग कर लेते हैं, ये हो गया दोस्तों। और इसमें भी टाइट कर देते हैं अपना जो फिटिंग है दोस्तों, इसको टाइट कर देते हैं। ये काटकोना चेक कर लेते हैं दोस्तों, इसमें हम पूरा फुल मार्किंग नहीं किए थे इसलिए यहाँ पे काटकोना चेक कर लेते हैं, यानी कि जो अपना 90 डिग्री का रहता है दोस्तों, ये हो गया। और इस तरफ का भी टाइट करके दोस्तों इसको लगा देंगे, वही प्रोसेस है दोस्तों, बहुत ईजी है, कहीं भी आप लगाना चाहते हैं बिल्कुल आराम से लगा पाएंगे। ये देखिए दोस्तों हो चुका है यहाँ पर। अब दोस्तों इसको चलिए लगा के दिखाते हैं, इसका जो स्क्रू टाइट करना है वो हम कर चुके, एक स्क्रू बचा है उसको भी मार देते हैं यहाँ पे, ये हो गया दोस्तों। अब चलिए नज़दीक से आपको दिखाते हैं, ये देखें दोस्तों इसको भी बाहर निकालेंगे और उसी होल में लगा के थोड़ा सा पुश कर देंगे, बैठ जाएगा दोस्तों, ये देखिए बैठ गया बिल्कुल। इसी प्रकार से ये पूरा सेट हो जाता है। तो दोस्तों अब जो अपना टेंडम बॉक्स का पूरा हम लोगों को मत्था सेट करना था देखेंगे, वो हम बिल्कुल सेट कर चुके हैं, यहाँ पे दिखाएंगे थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये भी पूरा टेंडम बॉक्सेस है, ये देख लीजिए, और ये भी पूरा टेंडम बॉक्स है दोस्तों। तो आपको एक ही नीचे का लगा के सेट करके दिखाएँ दोस्तों, इसी प्रकार से आप पूरा लगा सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल। ये दोस्तों बर्लिन कंपनी का है, बहुत ही साइलेंट रहता है दोस्तों, थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं करता है, और देखिए थोड़ा सा पुश करने पर आराम से बैठ जाता है। बाकी एक बार के लिए थोड़ा सा आपको पूरा दिखा देते हैं दोस्तों, वहाँ से नज़दीक से आप देख लीजिए दोस्तों, वहाँ से यहाँ तक का ये इस तरफ टेंडम बॉक्सेस है तीन, यहाँ पे भी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ये सिंक कॉर्नर दिए हैं, इसका वीडियो चैनल पे पड़ा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए बिल्कुल इसको कैसे लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये दो बास्केट दिए हैं हम लोग यहाँ पर, और ये है अपना वाटर प्लाउट। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और चैनल को अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको ऑल इन वन काम मिलेगा, कारपेंटर से रिलेटेड कोई भी काम दोस्तों आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, बहुत सारा जो जानकारी दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।